वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज से आपका मेरे साथ में एक नया सफर शुरू होता है बिजनेस स्ट्रेटेटिक्स का। तो आज आपका डे वन है, तो मैं आज आपको आपके सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ और आज मैं डे वन ही आपका स्टडी प्लान बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज करना है, तो जिससे कि आप आगे तक साथ साथ आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर के आप साथ में चल सकते हैं। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस जैसे कि YouTube पे भी आपको बहुत सारी मिलेंगी अलग अलग चैनल्स पे, पर उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा आप। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जैक्टली क्या आ रहा है, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तो बहुत कुछ है और उनमें से आपके एग्जाम में क्या चीजें पूछी जा रही है उसको करना जरूरी है। कोरिलेशन रिग्रेशन में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको करना जरूरी है। और इसका आइडिया आपको तभी लग पाएगा जब तक आप प्रीवियस 5 ईयर 10 ईयर के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते हैं कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पे डायरेक्ट आप चले जाएं, उससे पहले आपको पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, पूरे चैप्टर्स को आपको टॉपिक वाइज आपको पहले उसको स्टडी करना है, उसके जो फॉर्मूला है उसको आपको एक बार रिवाइज करना है, फॉर्मूला कहाँ से क्यों बना उसको भी आपको समझना है। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, हाँ भैया मुझे चैप्टर आ गया, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा ये तो बिल्कुल अलग है। लेकिन बिल्कुल अलग होगा नहीं, बस पूछने का तरीका इतना अलग होगा कि आपको लगेगा ये तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना जरूरी है। और हम जो बिजनेस स्टैट्स का सिलेबस जो आपके सामने लेकर के आए हैं, इसमें आपका बिल्कुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, जिसमें कि आप देखेंगे कि आपको सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर करने के साथ साथ आपके पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ लेकर के हम चलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर बिजनेस मैथ्स एंड बिजनेस स्टैट्स में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे, अगर मैं डिफिकल्टीज लेवल की बात करूं तो ये बिजनेस मैथ्स का डिफिकल्टीज लेवल है एंड बिजनेस स्टैट्स का ये है, तो थोड़ा सा बिजनेस स्टैट्स ईजी है कंपेयर टू बिजनेस मैथ्स। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं कि बिजनेस मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा कम होता है लेकिन बिजनेस स्टैट्स का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। आप देखें, बिजनेस स्टैट्स के सिलेबस के लिए अगर मैं बोलता हूं तो ये आपकी जेके ठकराल बुक है, क्लियर है बच्चे? इस बुक में अगर आप देखते हैं तो ये आपको बेसिकली मैं यही फॉलो करूंगा और आपके एक शिवदास का 10 ईयर इसमें कि मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन साथ साथ करवाऊंगा आपको, तो मैं दो चीजें फॉलो करूंगा आपके साथ में। आप अगर आप जेके ठकराल देखते हैं तो देख रहे हैं बुक क्या है। एग्जाम कब है बच्चे आपका? नवंबर में। हमारे पास टाइम कितना है? जुलाई, आज 1 जुलाई है, आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमारे पास में 4 महीने हैं। ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस चलेंगे, जिसके मतलब हमारे पास में 2 महीने हैं, लेकिन मैं कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा भी लूंगा आपकी तो 2.5 महीने, क्लियर है बच्चे? और कुछ क्लासेस मैं और भी एक्स्ट्रा लूंगा तो ज्यादा था, मैं 3 महीने तक आपको इसमें आपको अच्छे से करवाऊंगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 महीने में भी इसको कवर करना ये चैलेंज रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, पिछले सेमेस्टर में जितने ही बच्चे हैं उन सबका अच्छे से कोर्स कवर हुआ है तो आपको भी ये कोर्स अच्छे से कवर आपका होगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा बच्चे कि एग्जाम टाइम पे हम इसको कवर करेंगे। मैं आपको श्योर, आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि बच्चे कोई भी स्टूडेंट लास्ट के 10 डेज 15 डेज 1 मंथ में बिजनेस स्टैट्स को पढ़ करके पास नहीं हो सकता है। आप हमारे पास में अगर आप बिजनेस स्टैट्स के कोर्स में एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आप एनरोल होते हैं तो सेम फीस है, क्लियर है बच्चे? और आज आप एनरोल हो रहे हैं, सेम फीस है। तो सेम फीस में जब आपको पूरे के पूरा 4 to 5 मंथ की जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक की आपको स्टडी मिल रही है, तो क्यों आप अपना पीरियड, टाइम पीरियड अपना आप वेस्ट कर रहे हो? आप ये प्लान क्यों कर रहे हो कि आपको आफ्टर 1 मंथ अपना सिलेबस स्टार्ट करना है, आफ्टर 1 मंथ आपको अपना कोर्स लेना है, 2 महीने बाद लेना है, 1.5 महीने बाद लेना है? अब बात करते हैं कि आपके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो बच्चे बिजनेस स्टैट्स का एग्जाम हो भी जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, ऐसा भी कई बार हुआ है। तो रिजल्ट के भरोसे तो आपको पता है आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो चुके हैं, बैठने कोई फायदा है नहीं। तो वो सभी स्टूडेंट अब आप कोर्स में बिल्कुल भी डिले नहीं करें क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हैं, या आप ऐसा कंसिडर करके चलो, क्लियर है बच्चे? अब मैं बात करता हूं कि बिजनेस स्टैट्स के अंदर देखिए दो चीजें हैं। एक तो आप देखिए सिलेबस जो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा सिलेबस है आपका, पहले चीज तो आपके पास में ये है। एंड सेकंड बच्चे, आपको ये देखना है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे तो कॉन्सेप्ट और यूनिट तो वही रहेगा लेकिन पूछने का तरीका इतना डिफरेंट होता है ना कि बच्चा क्वेश्चन लगता है उसको आउट ऑफ द बॉक्स है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।
क्लियर है? यूट्यूब पर चैप्टर की क्लासेस तो आपको मिल जाएंगे, बट आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और एग्जाम आपका क्रैक होगा पास्ट ईयर क्वेश्चन को करने से। क्लियर है? मैं आपसे ये कहता हूं कि एक बार पूरा सिलेबस कवर करो और 5 times पास्ट ईयर क्वेश्चन करो, 100% स्कोर कर दोगे। लेकिन आप इसको 50 times सिलेबस कवर करो और एक भी टाइम अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को कवर नहीं करा तो भी आपका क्वालिफाई, आप पास नहीं कर सकते हो एग्जाम को। इसलिए आप देखेंगे कि यूट्यूब पे एक, मैं बोलूंगा कि जो भी क्लासेस पढ़ी हुई हैं जितने भी आप बिजनेस स्टार्ट्स के, उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं है, जिससे कि स्टूडेंट 100% फंसता ही फंसता एग्जाम में। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, चैप्टर यूनिट खत्म होने के बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको करना है। और फॉर एग्जांपल देखेंगे बच्चे, बिजनेस स्टैटिक्स में अगर मैं आपके सिलेबस को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं तो 5 units में पूरा सिलेबस आपका डिवाइड किया हुआ है। तो जिसमें कि आपका जो है फर्स्ट यूनिट आपके पास में जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का, कि फर्स्ट यूनिट में आपको जो है बेसिकली क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स मींस आपके पास में यहां पर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा, स्क्यूनेस होगा, कटेसिस होगा, आपका डिस्पर्जन आपका होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है। तो ये सारे टॉपिक आपके पास में यूनिट 1 में। एंड यूनिट 2 प्रोबेबिलिटी। बच्चे यूनिट 1 आप इस बात को जरा समझिएगा कि यूनिट 1 में अगर आप सबसे पहले आपको अगर आप यूनिट 1 अगर आपको अच्छे से आता है तब जाकर के आप कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये यूनिट 1 और यूनिट 3 आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यूनिट 1 करने के बाद ही आप यूनिट 3 को आप टच करेंगे तो ज्यादा कंफर्ट रहने वाले हैं, ज्यादा बेटर रहने वाला है आपके लिए। उसके बाद आपके पास में प्रोबेबिलिटी, देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का मतलब ही क्या है, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? आपको लगता है कि भैया मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग होता है मीन मीडियन मोड, और आप में से मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि उनको मीन मीडियन मोड आ गया, स्टैट्स आ गए। भैया मीन मीडियन मोड में से तो 2.5 नंबर का भी सवाल पूछ ले गरिमत है, 3-3.5 नंबर का सवाल आपसे पूछेगा, वो भी वो पूछेगा जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं बिजनेस स्टैटिक्स का मतलब क्या है, वो मीन मीडियन मोड है यार, क्या होता है बिजनेस स्टैटिक्स मीन मीडियन मोड? बच्चे 1.5 से 2 नंबर, 2.5 नंबर का मुश्किल सबसे पूछेगा, वो भी जो पूछेगा इतना इस लेवल का पूछेगा इसमें से कि आप उसको अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और बाकी क्या है आपका, आपका स्क्यूनेस है क्या कभी पढ़ा, कटेसिस है क्या कभी पढ़ा, एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या कभी पढ़ा, डिस्पर्जन है क्या कभी पढ़ा? ये सारे टॉपिक्स आपके पास में है। डिस्पर्जन के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और अलग अलग मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं आपके। एंड उसके बाद आपके पास में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो कोरिलेशन अलग है, रिग्रेशन अलग है, इसमें भी आपके अलग अलग मेथड्स हैं, इसको भी आपको अच्छे समझना होगा। क्लियर है बच्चे? वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सब चीज समझनी होगी आपको। एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी, बच्चे ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, सबसे टफ बच्चे अगर कहते हैं स्टैट्स में तो प्रोबेबिलिटी को कहते हैं। ये अपने आप एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, इसका किसी भी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, इसको सबसे पहले बीच में एंड में कभी भी स्टार्ट करोगे तो इसके लिए किसी अदर यूनिट को करने की नीड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। एंड एक आपके पास में बच्चे टाइम सीरीज भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, क्लियर है? और एक आपके पास में इंडेक्स नंबर, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट है, तो इस यूनिट का एक दूसरे से किसी से कोई लिंक नहीं है। तो इसके में आपके पास कितने टोटल यूनिट है, 5 यूनिट है। अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करता हूं बच्चे, तो ये आपका 20 marks का आपका इस पर 20% का आपका वेटेज है इसका, और प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे 30% सबसे ज्यादा, इस पर हम बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। सिंपल कोरिलेशन रिग्रेशन 25% की इंपॉर्टेंस है, और टाइम सीरीज 15% एंड इंडेक्स नंबर आपका 10% आपके एग्जाम में इसकी, इसका अपना एक रोल है। तो ये आपके पास में आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि किस यूनिट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, आपको सभी यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, बट फिर भी आपको प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे तो जबरदस्त तगड़े तरीके से मेहनत करनी है। सिंपल कोरिलेशन रिग्रेशन पे भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी है, 25% का इसका आपके एग्जाम में वेटेज है। स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, बात करते हैं हम आपके अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे आपको। कई बार आप स्टैट्स का मतलब कुछ और ले जाते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा सिलेबस आपको बता रहा हूं कि सिलेबस में आपके क्या क्या है।
हाँ जी बच्चे, तो देखेंगे यहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या है। तो पहला है मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इस पे क्या क्या है? मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में आपके पास में कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज इंक्लूडिंग अर्थमेटिक मीन है। इसमें आपका मीडियन का टॉपिक है। अब मीन का टॉपिक इतना इजी नहीं है। मीन में आपके पास में आपको पता है कि आपके पास में मीन में भी तीन टाइप की आपको सीरीज मिलेंगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिफरेंट मेथड मिलेंगे, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, डिस्क्रीट सीरीज, तीन मेथड, कंटीन्यूअस सीरीज फाइव टाइप्स के होते हैं और उन सब में तीन तीन मेथड। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये अर्थमेटिक मीन ले जाएगा इतना टाइम। मीडियन के अंदर भी थ्री सीरीज आप फेस करेंगे और इसमें भी अलग अलग टॉपिक्स हैं। मोड के अंदर भी आप, ये सिर्फ मोड एक छोटा टॉपिक लग रहा है बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरीज है, डिफरेंट मेथड्स हैं, उन सब मेथड्स आपको करना पड़ेगा। एग्जाम में कई बार मेथड्स मेंशन हो जाता है किस मेथड से आप सॉल्व करो। ये तो खैर इजी है, मैं बोल सकता हूं इसको इजी है। फिर उसके बाद आपके पास नई चीज आ जाती है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है ना, डिस्पर्जन क्या होता है? ये आपको जो है बेसिकली मीन, मीडियन एंड मोड, बेसिकली मीन कितना रिलायबल है, कितना ऑथेंटिक है, उस पर वो कितना ट्रस्ट कर सकते हो, उस चीज को चेक करने के लिए आप डिस्पर्जन पढ़ते हो। डिस्पर्जन में आप बेसिकली जो है मीन डेविशन फ्रॉम मीन, मीन डेविशन फ्रॉम मीडियन, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आप पढ़ते हैं। और डिस्पर्जन में इसके बाद आपके पास में आगे चल करके आप इसी में आप स्टैंडर्ड डेविशन भी आप कवर करते हैं डिस्पर्जन में। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? ओवरव्यू ऑफ द रेंज पढ़ेंगे आप, इसमें क्वार्टाइल डेविशन पढ़ेंगे आप, मीन डेविशन फ्रॉम मीन, मीन डेविशन फ्रॉम मीडियन पढ़ेंगे आप, स्टैंडर्ड डेविशन पढ़ेंगे आप, वेरियंस आप पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है सर मीन डेविशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविशन क्या होता है, दोनों एक दूसरे के सब्सिट्यूट है। अब क्या सब्सिट्यूट है वो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट वाइज। एंड कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस। पेपर में ये आएगा और आप लोग क्या बैठ के लेके बैठ गए, मीन मीडियन मोड आएगा, तीन साढ़े तीन चार नंबर ढाई नंबर ये रहेगा आपका। क्या कर लोगे इसमें बच्चे? आपको सर एक क्वेश्चन तो भैया सर इतने मार्क्स का आता है, सर एक क्वेश्चन में दो, एक क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है, इसमें ए पार्ट भी है बी पार्ट भी है। ए पार्ट में दो चीजें पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है, और बी पार्ट में भी आपसे दो चीजें या तीन चीजें आपसे पूछ रहा है आपसे। तो एक क्वेश्चन कहने की बात है, एक क्वेश्चन है बेसिकली, उसमें पांच सवाल पूछे हैं आपसे। अगर उसमें पांच सवाल भी आपसे पूछ लिए, थ्री मार्क्स का भी अगर इसमें एक कर दिया तो 15 मार्क्स का आपका बना पूरा क्वेश्चन। तो आपका मीन का अगर एक क्वेश्चन पूछ भी लिया तो 15 नंबर का तो नहीं आया ना, वो तो तीन ही नंबर का आया है, बाकी तो और भी चीजें पूछेगा उसमें आपसे, आपसे आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस पूछेगा आपसे, आपसे डिस्पर्जन पूछेगा आपसे, एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा आपसे। पांच चीजों में पूछने के लिए बहुत कुछ उसके पास में। क्लियर है बच्चे? और उसी में आपसे स्क्यूनेस कहां जाएगा, फिर आपके पास में कटेसिस कहां जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर आप मीन मीडियन मोड के भरोसे बैठे हैं बच्चे तो वो तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ढाई से तीन नंबर का आएगा, तो बाकी आपके पास में टॉपिक है। एंड इसमें अगर आप देखते हैं तो आपके पास में और आपके पास में क्वेश्चन कहां से आएगा, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस से आएगा, जो आपने कभी अपने जीवन में नहीं पढ़ा है। उसका टॉपिक कहां से आएगा? आपके मूवमेंट्स में से। मूवमेंट में आपके पास में बेसिकली स्क्यूनेस एंड कटेसिस, दो मूवमेंट के बारे में आप स्टडी करेंगे, स्क्यूनेस एंड कटेसिस। तो ध्यान रखेंगे इस चीज के बारे में कि भैया स्क्यूनेस एंड कटेसिस से 100% क्वेश्चन आना ही आना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस से 100% क्वेश्चन आपका आने आना है, स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन 100% आपका आना ही आना है। तो पांच सवाल आपके पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, तो पांच में से तीन से चार तो यही पूछ रहा है आपसे, एक पूछ लेगा मीन मीडियन मोड में से कोई एक। तो अगर आप पूरे बिजनेस स्टैट्स को मीन मीडियन मोड समझते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। काफी टाइम से बच्चे पढ़ाते हुए हो गया, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया, बच्चे लास्ट के 15 दिन में आ रहे हैं और बड़े पैनिक दिख रहे हैं क्योंकि वो इस भरोसे बैठे थे कि मीन मीडियन मोड है कभी भी कवर कर लेंगे। जब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर खोला ना तो उनको ये पता लगा कि भैया इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आपका मीन मीडियन मोड तो ढाई तीन नंबर का ही पूछा है, बाकी तो पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो उसके लिए सिलेबस कवर करना है। अब इन सबको तो दो चार दिन में कवर नहीं करवाया जा सकता, तो इसलिए स्टार्टिंग से आपको सिलेबस लेकर के चलना है। दिव्या अरोड़ा पूछ रही है कि सर ये पूरा प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी इंक्लूडेड है? बच्चे थ्योरी भी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल के थ्योरी मान के चलो कि लाइक आपका पूरे पूरा सिलेबस में 8-10% 15% आपका थ्योरी आएगा, 10-15% पूरे सिलेबस का, लेकिन उसके भी ऑप्शन में आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे। तो आपके पास ऑप्शन है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे थ्योरेटिकल, तो थ्योरी का कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। आपका मान के चलिए कि आपका पेपर जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इन सबके प्रैक्टिकल से ही आएंगे, इनकी थ्योरी एक क्वेश्चन मीन का थ्योरी आ सकता है। एंड बच्चे प्रोबेबिलिटी
एंड प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है। बच्चों के पसीने इसमें ही छूटते हैं पूरे स्टैट्स में, क्लियर है। इसमें आप अलग अलग चीजें पढ़ोगे, कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, इसमें आप थ्योरम पढ़ोगे, बायस थ्योरम पढ़ोगे, आप एक्सपेक्टेशन पढ़ोगे एंड वेरिएंस पढ़ोगे, रैंडम वेरिएबल पढ़ोगे ये क्या होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे आप, बायनोमियल एंड पॉइजन प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे एंड एप्लीकेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके एग्जाम में आता है, क्लियर। नॉर्मल कर्व एंड प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ये बच्चे पेपर में आएगा 100%। तो अब आप बच्चे मत सोचिए इन दोनों में से कोई एक यूनिट कर लेंगे। अगर आपका यूनिट वन आपका एक क्वेश्चन आ रहा है 15 मार्क्स का, तो इसके ऑप्शन में बच्चे 15 मार्क्स का आएगा, यूनिट वन का ही आएगा। ये मत सोचिए इन दोनों में से ऑप्शनल आएगा तो एक यूनिट कर लेते हैं, एक नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। इसके ऑप्शन में, इस यूनिट के ऑप्शन में, इस यूनिट के क्वेश्चन में क्वेश्चन चेंज कर देगा, बस यूनिट वही रहेगा। तो अगर आपका ये यूनिट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वो आपका मिस होना ही होना है। तो अब आपके इसके ऑप्शंस में भी आपके पास में आपको प्रायोरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो पेपर बहुत लेंथी होता है बिजनेस स्टैट्स का। उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा बच्चे सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालाइज। अब देखिए कोरिलेशन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, कोरिलेशन एनालाइज में मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ द कोरिलेशन, ये बेसिक थियोरिटिकल पार्ट है जो कि नहीं आता है बट समझना जरूरी है, मैं पढ़ाऊंगा। कोरिलेशन आपके पास में पढ़ना है जिसमें कि पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है, क्लियर है बच्चे। एंड स्टैंडर्ड एरर एंड रैंक कोरिलेशन, मेन आपके पास में एग्जाम में ये स्टैंडर्ड एरर से सवाल पूछेगा, ये टॉपिक आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हमें पता नहीं बच्चे कहां से पेपर आता है, क्लियर है। ये यूट्यूब पे जो वीडियोस सिर्फ इसलिए डालते लाइक सब्सक्राइब 30 सेकंड का शॉर्ट, उसमें क्या है, उसमें क्या सीख लोगे आप, तसल्ली से पेशेंस रख करके आपको सीखना होगा। तो पूरे डिटेल में कोर्स आपको करवाऊंगा, क्लियर है। तो कोरिलेशन का टॉपिक कवर होने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिग्रेशन। अब बच्चे रिग्रेशन क्या है, आज के टाइम पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं, एआई का, वो फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, वो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन स्टैटिक्स डेटा भी आप पे वर्क करता है। तो आपको यहां पे समझ में आएगा कि कैसे आप डेटा एनालाइज करते हैं और आप पहले ही चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किससे, रिग्रेशन की हेल्प से। आप चीजों को पहले ही आप अनुमान लगा लेंगे कि अब क्या होने वाला है, ये ऐसा है तो वो कैसा हो जाएगा, इसमें ये चेंज आया तो दूसरा अब क्या बनने वाला है, वो पहले से ही बनने से पहले प्रिडिक्ट कर लोगे आप, क्लियर है। इसी डेटा को यूज करके तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है, वो सब डिटेल में अंदर बताऊंगा मैं इसके। तो रिग्रेशन में क्या होगा, आपके पास में प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर एंड द रिग्रेशन लाइंस पढ़ोगे, रिग्रेशन इक्वेशंस एंड एस्टिमेशंस प्रिडिक्शंस आप ये पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट पेपर में आएगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब रिलेशनशिप बिटवीन द कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड, ये बच्चे पेपर में सवाल आएगा। मैं वही तो कह रहा हूं कि जो जो आता है वो तो आप पढ़ते नहीं हो। अगर आप कोरिलेशन में से अगर आपने ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया तो आपको लगता है कि भैया आपका हो गया कवर, पेपर कुछ और आता है। इसलिए 100% सिलेबस कवर करोगे तभी तो आपका 100% पेपर अटेम्प्ट होगा बच्चे, क्लियर है। टाइम सीरीज एनालाइज की बात करता हूं, टाइम सीरीज आप डेटा में आपके पास में आप जो है एडिटिव मल्टीपलिटी मॉडल्स ट्रेंड एनालाइज, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे, ट्रेंड एनालाइज ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिटिंग ऑफ ट्रेंड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी किसमें बच्चे, आपको टाइम सीरीज एंड एनालाइज में। ये बिल्कुल डिफरेंट यूनिट है, बाकी से कोई भी इसका लिंक नहीं रहने वाला है आपका। एंड फाइनली आप पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या पढ़ने वाले, मीनिंग एंड यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट है इसका, क्लियर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ लेस पेयर पाश्य फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस बीएससी सेंसेक्स एंड एनएससी निफ्टी, इसके बारे में आप पढ़ोगे इंडेक्स नंबर में। तो ये सारा का सारा पार्ट आपका क्या है बच्चे, आपके आपके सिलेबस का पार्ट है। अब बच्चे हम डिस्कस करते हैं कि हमारा स्टडी प्लान क्या रहेगा। एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको इंडेक्स नंबर पढ़ाया, ठीक है, कंप्लीट करवाया। अब इंडेक्स नंबर को मैंने कंप्लीट करवाया तो इंडेक्स नंबर को कंप्लीट करवाने के बाद मैं फिर इसके बाद इंडेक्स नंबर से रिलेटेड लेटेस्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस इंडेक्स नंबर से पिक करके करवाऊंगा। देखो पेपर में यही सवाल इंडेक्स नंबर से पूछा है, इस तरीके से पूछा है, वो सॉल्व करवाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहले अगर हम इंडेक्स नंबर करेंगे उसके बाद इंडेक्स नंबर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस असाइनमेंट दूंगा आपको मैं, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे। असाइनमेंट करने के बाद फिर मैं 5 ईयर के क्वेश्चंस आपको दूंगा एज अ टेस्ट कि आप करो, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, असाइनमेंट दिया है,
अब आप करो। उम्मीद करता हूं कि आप कर पाओगे, लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि सिर्फ सिलेबस करवा कर लेने से पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं होता है, उसके लिए पास्ट ईयर को अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो अगर मैंने आपको 5 ईयर में से, फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए, तो 10 में से आप 6-7 कर पाए या 4 कर पाए, जो आपका नहीं हुआ, मतलब कि मैं तो सारे के सारे क्वेश्चन फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर पाए, और जो नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए, जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो वो सीख पाओगे, इससे ये यूनिट आपका कवर होगा। इसी तरीके से यही हमारा बच्चे स्टडी प्लान रहेगा, क्लासेस टाइम पर रहेगी, टाइम टू टाइम चीजें चलेंगी, आपको बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से बेस्ट तब हो जाता है जबकि आप बिल्कुल टेबल लेकर करके सामने लैपटॉप लेकर के रजिस्टर और पेन लेकर करके और बिल्कुल टाइम पे आकर के बैठते हैं। ऑफलाइन बैच में यही तो एडवांटेज होता है बच्चों का कि बच्चे क्लास में आते हैं तो वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रक्शन नहीं होता है उनका, इधर उधर से उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, कोई उनको शोर शराबा करने वाला नहीं होता है, क्लास में रहते हैं तो सिलेबस अच्छे से कवर होता है। ऑनलाइन में भी अगर आपने इन चीजों को डिसिप्लिन को मैनेज कर लिया तो आपका ये ऑनलाइन क्लासेस आपके ऑफलाइन से बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास रिवीजन के लिए आपके पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पास में होंगे। क्लियर है बच्चे? इसके साथ साथ में जैसे आपका इंटरनल्स में मैं पढ़ा रहा हूं, इंडेक्स नंबर इंटरनल्स में कुछ और आ रहा है, आप पैनिक हो रहे हैं भाई आप कैसे करें, तो उसके वीडियो जो रिकॉर्डेड क्लासेस है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप अपने जो आपके पास खाली टाइम है उसमें आप एक्स्ट्रा कवर करके अपने इंटरनल्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये हमारा रहेगा, और आपके कोई क्वायरी है तो पूछिएगा। तो बच्चे मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा कि बिजनेस स्टैट्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, लास्ट के 15 डेज 13 डेज 1 मंथ में आप इस सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हो। अगर आप अभी से इसको स्टार्ट नहीं करते हो तो लास्ट के 1 मंथ में भी स्टार्ट मत करना, फिर आप एज ईआर कंसीडर कर करके आप फिर नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा एग्जाम फेस करोगे फिर उसका प्लान तब करना। अगर आप ये 4-5 डेज में बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो, ये सिलेबस है बच्चे, कितना वास्ट सिलेबस है, ये सिर्फ टॉपिक के नाम है, यहां पर एक एक टॉपिक के अंदर इतने मेथड्स हैं और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इतने टाइप्स हैं कि उसको करने करने में ना आपका बहुत टाइम लगेगा बच्चे। ये मत देखिए सिर्फ ये टॉपिक्स हैं, ये तो टॉपिक के नाम है। अगर मीन लिख देने से सिर्फ मीन नहीं होता है, मीन लिख देने से क्या होता है, मीन में आपका आपके पास में आपके अलग अलग टाइप्स के सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी अलग अलग मेथड्स हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डिवीजन, क्लियर है? उसके बाद भी लेस, फिर कंटिन्यूअस सीरीज के भी अपने मेथड्स हैं, लेस देन, मोर देन, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, मिड वैल्यू, इन सबके भी अपने 3-3 मेथड्स है। ये मीन के अंदर की कहानी है, तो यहां तो सिर्फ मीन लिखा हुआ है, अंदर की कहानी कुछ और है, इसलिए तो ये बुक इतनी मोटी है। तो मैं फिर से आपको अलर्ट कर रहा हूं बच्चे कि अगर आपने अभी भी इसको स्टार्ट नहीं किया, आप ऑलरेडी लेट हैं, तो आप लास्ट के 15 डेज 1 मंथ 1.5 मंथ में भी आपके लिए पास होना मुश्किल हो जाएगा बिजनेस स्टैट्स के अंदर। इसलिए आप इसको स्टार्टिंग से ही लेकर के चलें, पहले चीज ये। दूसरा, सेकंड चीज ये भी है आपके पास में बच्चे कि अगर आप सोचते हैं कि YouTube से इधर उधर से कहीं ना कहीं से कवर कर लेंगे, तो बच्चे आप इससे पहले, कवर करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आप पास्ट ईयर क्वेश्चन शिवदास में से एक क्वेश्चन पेपर देख लेना क्या आ रहा है, और देख लेना यूट्यूब पे क्या पढ़ा रहे हैं। 10% भी मैच हो जाए तो बता देना कि 10% भी मैच हो गया, नहीं होगा मैच। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं शिक्षाधाम जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है वो आपके बिल्कुल एग्जाम ऑरिएंटेड पढ़ा रहा है, इसलिए मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा साथ के साथ, जिससे कि आपका हर एक चीज कवर हो जाएगा। तो शिक्षाधाम बिल्कुल आपका एग्जाम ऑरिएंटेड है, उसमें ऐसे नहीं कि ये एग्जाम भी फोकस है, ये एग्जाम भी, ये एग्जाम भी, ये एग्जाम भी, ये एग्जाम भी, सारे एग्जाम एक वीडियो, नहीं, जो आपका एग्जाम है सिर्फ उसी की वीडियो आपको मिल रही है। क्लियर है बच्चे? तो इसलिए शिक्षाधाम पर आपको आपका बिल्कुल एग्जाम ऑरिएंटेड सिलेबस आपको करवाया जा रहा है, टाइम पे आपका टाइम से पहले सिलेबस पूरा होगा, और आपको यहां पर असाइनमेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, आपका यहां पर मैं टेस्ट लूंगा, और साथ साथ में आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों को टाइम पर बैचेस में आना है, क्लास में आना है, और साथ साथ आपको रिस्पॉन्स भी करते रहना है। डाउट के लिए आपको एक अलग व्हाट्सएप नंबर में अपना मैं आपको पर्सनल नंबर दूंगा, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक से रिलेटेड आप डाउट अपने प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको उस व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स करूंगा। और आप पिक्चर उस पर क्लिक करके भेजिए, अपना ऑडियो मैसेज भेजिए कि क्या समझ में नहीं आया, मैं अपना ऑडियो मैसेज आपको भेजूंगा। तो इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ में आपको एक कोर्स एक आपके पिज्जा के रेट पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इसमें आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम दिसंबर एंड में होता है, दिसंबर एंड तक पढ़ाएंगे इसी फीस में। क्लियर है? तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, थैंक यू सो मच, और अपने साथ में अपने क्लासमेट को आप इन्फॉर्म कर दे कि बैच स्टार्ट हो गया है, ताकि नेक्स्ट क्लासेस से पहले सही बच्चे कोर्सेस के अंदर एनरोल हो जाए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।